गुरुदेव, एक सवाल जो हम अक्सर देखते हैं जो थोड़ा सा प्रतिकूल होते हैं, जैसे लोग माने जाते हैं कि कुछ लोग थोड़े से अलग होते हैं दूसरे लोगों से। दिन है, दिन सोने के लिए बोला गया और रात जगने के लिए बोली गई, यानी कि सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया कि दिन जगने के लिए बोला गया, रात सोने के लिए बोली गई है और ये सब लोग इसे फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव करते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो दिन में सो रहे होते हैं, रात को जग के काम करते हैं और वो बहुत सक्सेस है अपनी लाइफ में। तो ये उल्टा काम करने के बाद भी वो अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों है? नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर बृहस्पति केतु चौथे घर में है। अच्छा, समझे ना? और उन्होंने, मेरे को पक्का यकीन है, अपनी जिंदगी के अंदर जितने भी मेजर प्लान बनाए होंगे या जितने भी मेजर कार्य किए होंगे वो शाम के बाद रात्रि की अवस्था में ही किए होंगे और रातों को जागे भी होंगे। चौथे घर का कमाल क्या है? चौथे घर के अंदर रात्रि में होने वाले काम, उसके लिए बनाने वाले प्लान अगर चौथे घर में ग्रह हो तो करने चाहिए। अच्छा, लाभ मिलता है। जिसके चौथे घर के अंदर ग्रह होता है वो दिल से स्पीच दे पाता है और ऐसी स्पीच देता है कि सामने वाले को बिल्कुल अट्रैक्ट करती है। तो जितने जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं बेटा, उनकी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में कोई ग्रह मिलेगा। एक तो ये चीज, चौथे घर में ग्रह है तो रात्रि में किए हुए कार्य कामयाब होंगे, सिंपल सी बात। और वहां अगर बहुत ही शुभ ग्रह बैठे हुए हैं जो धनदायक भी है, तो बेटा फिर तो बहुत अति शुभ हो गया ना रात्रि को काम करना। फिर शनि अगर जन्म कुंडली के छठे घर के अंदर है, वो दिन के अंदर जो काम करता है खराब हो जाता है। और खास तौर पे शनि छठे घर में हो और 28 साल की उम्र से पहले शादी हो जाए, लड़का हो या लड़की हो, रिश्तेदारी के सुख, कामकाज के सुख सब खराब हो जाते हैं, समझ गए ना जी। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर उस जोड़े को कामयाब करना है, उसको दुनियादारी के अंदर कामयाबी दिखानी है, तो बेटा उसको सजेस्ट करो कि रात्रि में होने वाले कार्य जो भी तू करेगा बहुत कामयाब होगा। वो रात को चलने वाली फैक्ट्री लगा सकता है, रात को चलने वाला कॉल सेंटर लगा सकता है, और ना सिर्फ परौंठों का ठेला ही रात का लगा लो, वो भी चलेगा। यानी कि छोटे से लेके बड़ा वाला वो काम जो रात्रि के वक्त में किया जाता है तभी कामयाब होगा। तो बेटा ये जो रात्रि में जागते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी को ऐसी को जानता हूँ जो रात को उनका मीटिंग टाइम ही रात को 11-12-1 बजे शुरू होता है और सुबह 4 बजे तक चलता है। अब बेटा उनकी कुंडलियों का यही एक राज है, वो समझ चुके हैं या आजमा के उनके पल्ले पड़ गया है और उनको उसमें मजा आने लग गया और उससे वो कमाई भी कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। तो जिनकी भी शनि छठे घर में हो या जन्म कुंडली के अंदर ग्रह चौथे घर में बैठे हों, उनको काम ही ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए जो रात्रि के अंदर किए जाते हैं और उनके अंदर वो बहुत कामयाब।